Well, hello, folks. Welcome to another episode of Bollywood This Week. From Aman Ansari, aap sabhi logo ka Varun Dhawan and Kirti Sanon ki film Bhediya ke day number 1 ke box office collection prediction, audience occupancy and show count episode mein title se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? So guys, finally Bhediya completes its first day at the Indian box office. Ab guys, Bhediya ko do cheeze hai जो उसे करने की बहुत सख्त जरूरत है. नंबर वन, द 2D शोज नीड टू वर्क. क्यों गाइस, मॉर्निंग में चाहे वो 8 AM हो, 8:30, 9 AM के शोज हो, द 2D शोज टुक अ मैसिव हिटिंग. एंड कई जगहों पर 2D शोज के जो शोज है वो भी कैंसिल हुए हैं. इट्स जस्ट अ 3D दैट इज वर्किंग फॉर भेड़िया. 2D occupancies for Bhediya are really bad and कल से अगर 2D fire नहीं हुआ then guys वो shows जो है, yes friends, वो जो 2D के shows है वो indirectly Drishyam 2 के पास चले जाएंगे जिसके पास already एक बाप level की advance booking है. देख guys, कल की advance booking इतनी shocking होने वाली है कि Bhediya का, yes friends, कान खोल के सुनिए, Bhediya का जो day 2 का advance booking है ना, Drishyam का day 9 का advance booking Bhediya के day 2 के advance booking से ज्यादा है. These are shocking numbers. आज भी Drishyam 2 की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी नंबर वन, टिकट सोल्ड, द फुटफॉल वो मोर देन भेड़िया, वो तो भेड़िया के टिकट के प्राइसेस ज्यादा है. इट्स अ 3D फिल्म, इसीलिए कलेक्शंस अभी कट टू कट आ रहे हैं, वरना Drishyam वुड हैव टेकन अ ह्यूज लीड ओवर भेड़िया. लेकिन ऑल सेट एंड डन, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि भेड़िया एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस पे क्या कर रहा है. सो गाइस, बात करते हैं ऑक्यूपेंसी से. तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी फॉर द 3D वर्जन वॉज जस्ट 9%. यहीं पर फिल्म मार खा गई. देखिए गाइस, फिल्म नीड टू टेक अ वेरी बिग ओपनिंग. आपका प्रमोशन, आपका मार्केटिंग, वो सब चीजें जो है उसको हैंडल कर लेता है. उसके बाद स्टार पावर, द फिल्म, द वर्ड ऑफ माउथ आर ऑल सेकेंडरी. ओपनिंग इज अ मस्ट. आफ्टरनून ओनली 12% थ्रू आउट द डे Bhediya couldn't शो मैसिव jumps जो कि रिक्वायर्ड था इस फिल्म के लिए. इवनिंग की बात करूं, ओनली 16% विच इज रियली बैड. एंड रात के शोज 14 तक भी नहीं जाने वाले हैं. सो गाइस, द डे वन फॉर Bhediya इज अ डिसअपॉइंटमेंट. बात करो 2D वर्जन की, द मॉर्निंग ओपन एट जस्ट 6-7%. गाइस, 6-7% एक बहुत ही लो नंबर है यहाँ पर Bhediya के लिए. आफ्टरनून वॉज जस्ट 9 एंड इवनिंग 12-13. यानी कि जो 2D शोज आर नॉट एट ऑल वर्किंग. गाइस, बात करूं आज की, तो गाइस शो काउंट पे लेवल ध्यान देते हैं. तो गाइस, कल का शो काउंट जो रहेगा उसमें अगर शोज कम हुए हैं, समझ जाइए भेड़िया यहाँ से कहाँ जा रही है. मुंबई में 3D शोज 491, ओनली 13% ऑक्यूपेंसी. एंड गाइज, इसके 2D शोज 264 है एंड सेम 12% ऑक्यूपेंसी थी. बात करूँ मुंबई की, तो 755 शोज है मुंबई में. अगर कल ये शोज कम होकर 700 हुए, देन गाइस मंडे इज गोना बी अ रियली बैड फिगर फॉर Bhediya. ओके, दिल्ली एनसीआर 476 शोज 3D शोज में ओनली 15% एंड 295 2D शोज में ओनली 12%. बात करो पुणे की, 211 शोज 13% एंड 103 शोज 9%. 2D वर्जन इज हॉरिबल, नॉट हिटिंग डबल डिजिट ऑन इट्स फर्स्ट डे, बहुत ही खराब साइन है. एंड ऐसा हुआ देन मुंबई एंड पुणे, यहाँ पर Drishyam 2 वेट कर रहा है Bhediya के शोज अपनी झोली में डालने के लिए. बेंगलुरु की बात करूँ, 165 3D शोज में 14% ऑक्यूपेंसी थी एंड 33 2D शोज में ओनली 12%. बट लुक एट हैदराबाद, हैदराबाद एंड चेन्नई वो गुड. हैदराबाद 159 शोज में 18% ऑक्यूपेंसी एंड 2D की बात करूँ 25 शोज में 16%. बात करूँ कोलकाता 177 शोज में 9%, विच इज अ वेरी बैड साइन फॉर 3D. ओके, बात करो 2D की, 81 शोज ओनली 6%, हॉरिबल साइंस. बट अहमदाबाद वॉज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट फॉर Bhediya. ऐसा लगा कि अहमदाबाद वालों को पता ही नहीं कि Bhediya सिनेमा घरों में लगी है. अहमदाबाद में 145 3D शोज में ओनली 7% एंड 2D जो शोज थे 203 शोज में वहाँ 10% थी ऑक्यूपेंसी. लेकिन लुक एट चेन्नई, वेरी गुड, 35 शोज 43%. देखिए गाइस, चेन्नई खासियत रही है. राइट फ्रॉम पद्मावत 3D, वो हमारे हिंदी फिल्मों को 3D वर्जन में काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है. बात करूँ गाइस यहाँ पे सूरत की, 84 शोज ओनली 7%. अहमदाबाद सूरत हैव बीन रियली बैड एंड 104 2D शोज में 6%. ये शोज जो कैंसिल हुए हैं, जो बहुत सारे शोज सूरत में भी कैंसिल हुए हैं यहाँ पे Bhediya के. बात करूँ लखनऊ की, 92 शोज ओनली 9% एंड 3D की बात कर रहे हैं, 2D 75 शोज ओनली 8%. Bhediya हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट ऑन इट्स फर्स्ट डे. ऐसा लग रहा है कि फिल्म कहीं ना कहीं 7-7.5 करोड़ कमाएगी. लेट्स सी गाइस, जो तेलुगु वर्जन है जो कि रिलीज हुए हैं, तमिल वर्जन का तो कोई अभी फिलहाल ठिकाना नहीं है, लेकिन जो तेलुगु वर्जन विल एड इन सम लैक्स, तो शायद टोटल 8 करोड़ तक टच हो जाए.
एडिंग द तेलुगु वर्जन, इवन तमिल में शायद रिलीज हुई है पिक्चर, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 7 से 7.5 करोड़ ऑन द डे वन इज अ बैड फिगर, क्योंकि गाइस अब ध्यान से सुनिए, अ फिल्म लाइक भेड़िया नीड्स टू जंप एटलीस्ट 50%, यानी कि जो फ्राइडे है अगर आपकी फिल्म का 7 है, देन द सैटरडे नीड्स टू बी 10 करोड़, इफ भेड़िया डजंट टच 10 करोड़ इट्स कर्टन्स, एंड संडे शुड बी 12 to 13 करोड़, भेड़िया नीड्स टू सर्वाइव। क्योंकि अगले हफ्ते है ना टी सीरीज एक्शन हीरो जो है आयुष्मान की, उसके लिए बहुत मैसिवली ट्राई करेगा टू गेट इन अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स। ये बात आप लोग याद रखना, वो आयुष्मान की रिलॉन्च फिल्म है। रिलॉन्च इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ही इज कमिंग इन एन एक्शन अवतार, टी सीरीज इज वाइंग इन फॉर अ ह्यूज शो काउंट, दृश्यम 2 तो ऐसा घूम रहा है कि इसका शो मिले तो मैं खा लूँ, उसका शो मिले तो मैं खा लूँ। तो यहाँ पर भेड़िया को बहुत ही सतर्क रहना है, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको जाके इस फिल्म को अगर देखना है तो अभी देखना है जाकर, क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ एंड फ्राइडे 7 साढ़े 7 आया, मंडे 4 साढ़े 4 भी नहीं आएगा, उसके बाद इट्स एब्सोल्यूट कर्टन्स। ओके गाइस, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आएगा, लेट्स सी गाइस कल यहाँ पे भेड़िया 2 के जो फर्स्ट डे कलेक्शंस है वो किस तरह से होते हैं। भावन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।